की रहने वाली नेशनल विश्व खिलाड़ी इन दिनों खेतों में मजदूर करने को मजबूर है। विश्व खिलाड़ी शिक्षा की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और अपना घर खर्च चलाने के लिए माता पिता के साथ मनरेगा में दिहाड़ी करती है। तब से लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ मनरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देख कर इनका साथ मनरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ। और घर की बहुत हालत खराब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है, माँ बाप का हाथ बटा रही हूँ। बीते 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केसेस कोरोना के दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 9,00,000 के पार हो चुकी है और अब तक 23,727 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और इलाज के लिए भारत में बनाई गई वैक्सीन का इंसानी परीक्षण पटना एम्स में आज से शुरू होगा और वहीं दुनिया में पिछले 24 घंटे में 1.95 लाख नए मामले सामने आए हैं। करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि मानसून दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा कि 16 जुलाई तक मुंबई में भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज उत्तर बंगाल के कई जिलों में 12 घंटे के बंद का पालन किया जा रहा है। वहीं दक्षिण बंगाल के आसनसोल में इसे लेकर एक विरोध रैली निकाली गई है। आसनसोल रेलवे स्टेशन के पास से शुरू हुई इस रैली में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाद में इन लोगों ने आसनसोल दक्षिण थाना तक विरोध रैली निकालने के बाद आसनसोल दक्षिण थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक की हत्या में शामिल लोगों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई है।